नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करेंगे नेफ्लिडी टेबलेट के बारे में। नेफ्लिडी टेबलेट को बेनेट फार्मास्यूटिकल्स बनाता है, जिसकी प्राइस है ₹50.35 पर स्ट्रिप। इसमें जो कंटेंट्स डाला गया है वो है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg, लैक्टिक एसिड बेसिलस 40 मिलियन स्पोर्स और बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन होता है इसमें 50 mg। इसका यूज आप डॉक्टर की सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये टेबलेट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। नेफ्लिडी टेबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जिसमें होने वाला डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो आंतों के इन्फेक्शन, UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम पेशाब संबंधी समस्या कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आई ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया, हेजा, क्लेमाइडिया, सेफलिस, प्लेग, ल्यूकोरिया, पायरिया, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लाइम डिसीज, ट्रेवलर्स डायरिया, गले में अगर इन्फेक्शन है, यूरेथराइटिस, सर्विसाइटिस, सेंक्राइड, एंथ्रेक्स और चेहरे पर होने वाले एक्ने और मुहासों के इलाज में इसका यूज किया जाता है। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव टेबलेट है। अगर आपका चेहरा लाल होने या फिर चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाने के कारण दाग हो गए, तब डॉक्सीसाइक्लिन काफी असरदार दवा होती है। साथ ही बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, मसल स्पेन, गठिया और स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या में प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसमें जो लैक्टिक एसिड बेसिलस है वो एक प्रोबायोटिक है, जिससे इन्फेक्शन को ठीक कर, और अगर आपको बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दवा के कारण अगर दस्त लग गए हैं तो इससे में इसका यूज किया जाता है। साथ ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, पेट में अल्सर है, कब्ज और अपच की समस्या है, तब ऐसे में लैक्टिक एसिड बेसिलस काफी ज्यादा असरदार दवा है, काफी ज्यादा इफेक्टिव दवा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये नेफ्लिडी टेबलेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाली सभी तरह की समस्याओं को ठीक करती है, मुहासों को ठीक करती है, गठिया, आर्थराइटिस, मसल स्पेन और आंतों के संबंधी जो भी समस्याएं हैं, IBS, डायरिया, कब्ज, अपच और अल्सर, अगर आपको अल्सर है तो ऐसी सभी समस्याओं के इलाज में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव टेबलेट है। बात कर लेते हैं इस टेबलेट के सावधानियों के बारे में। तो अगर आपको इस टेबलेट में मौजूद किसी भी कंटेंट से एलर्जी है, आपको हार्ट डिजीज है, कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है, लीवर या किडनी डिजीज है, या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तब ऐसी सभी कंडीशंस में इसका यूज करने से पहले आप डॉक्टर्स को अपनी कंडीशंस के बारे में जरूर बताएं। बात कर लेते हैं इसका डोज के बारे में। तो इसका जो नॉर्मल डोज है वो है एक एक टेबलेट भोजन के बाद आप इसे सुबह शाम ले सकते हो। अलग अलग मरीज और उनकी कंडीशंस के अनुसार इसका अलग अलग डोज हो सकता है, जो कि डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। अब जान लेते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट आपको नजर आ सकते हैं वो है चक्कर आना, उल्टी जी घबराना, नींद आना, थकान महसूस होना और आपको एलर्जी कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। वैसे साइड इफेक्ट कुछ टाइम लेते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर आपको इनके अलावा भी कोई अदर कंडीशंस क्रिएट होती हैं या फिर यही साइड इफेक्ट लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।